मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आवश्यक है कि बैंक जनता से दूर न रहें। इस तरह के कार्यक्रमों से ये तय किया जाएगा कि जनता को बैंकों से अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। इस पहल के तहत देश भर में 450 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्राहक संपर्क पहल के जरिए सभी बैंक विभिन्न ऋण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मौजूदा कंपनी के मूल कॉर्पोरेट कर की दर मौजूदा 30% से घटाकर 22% कर दी है। इसके साथ ही 1 अक्टूबर से नए विनिर्माण इकाइयों के लिए कर दर को और घटाकर 15% कर दिया गया है। सरकार इस कदम से अगले 2 साल में भारत को दुनिया का निवेश केंद्र बनाना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म इकाइयां भारत की रीढ़ हैं और ये सेक्टर जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उससे लोगों को रोजगार भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। सरकार MSMI सेक्टर की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है और शुरू हुए उद्यम बंद ना हो, सरकार छोटे बड़े सभी उद्यमों को सहूलियत प्रदान कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश में स्टार्टअप को गति मिली है। आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में अभिनव पहल करने वाला दुनिया के पहले 5 देशों में शामिल हो चुका है। देश में शुरू स्टार्टअप का दुनिया भर में अब डंका भी बज रहा है। कार्यक्रम के दौरान PNB के प्रधान कार्यालय दिल्ली के महाप्रबंधक अनिल बंसल ने ग्राहक संपर्क पहल कार्यक्रम पर विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अचल प्रबंधन रीता कौल ने भी बैंक की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर PNB के सहित अन्य बैंकों ने भी अपने स्टॉल लगाकर ऋण संबंधी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी। सोलन में वीरवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टिकट ना मिलने से सिरमौर में भाजपा से बागी हुई दयाल प्यारी को मुख्यमंत्री ने बहुत समझाया और दयाल प्यारी ने भी उन्हें चुनाव ना लड़ने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्हें भाजपा नेताओं द्वारा सोलन में भाजपा नेता के होटल में गुप्त रूप से रखा गया था ताकि वे अपने समर्थकों और परिवार से दूर रहे। भाजपा की मंशा साफ थी कि वे चाहते थे कि कोई उन्हें चुनाव लड़ने के लिए ना उकसाए, लेकिन परिवार और उनके समर्थकों को इस बात की भनक लग चुकी थी और सुबह होते ही होटल में समर्थक जुड़ गए। पहले तो दयाल प्यारी के परिवार से दूर रखा गया, लेकिन दयाल प्यारी खुद होटल से बाहर आई और समर्थकों से लंबी बातचीत की और बाद में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बात यहीं खत्म हो जाती तो कुछ और बात थी, लेकिन बात आगे बढ़ी क्योंकि जैसे ही दयाल प्यारी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया उन्हें भाजपा कार्यकर्ता जबरन परिवार के सामने मानो किडनैप कर जीप में बिठा रहे थे। और वहां से गाड़ी को भगा दिया। परिवार के लोग इस बात का विरोध करते रहे लेकिन किसी की एक ना सुनी गई। बाद में खुलासा हुआ कि जिस गाड़ी में उसे बिठाया गया वे दयाल प्यारी के ही समर्थक की है और वे चाहते हैं कि वे नामांकन वापस ना लें। आजाद उम्मीदवार दयाल प्यारी ने मीडिया के समक्ष ऐलान किया कि कुछ लोग उनके बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि वे नामांकन वापस लेंगी, लेकिन ये झूठ है। पछाड़ की जनता को उनकी जरूरत है और वे चाहती हैं कि वे चुनाव लड़ें तो उसका परिणाम जो भी हो वे लड़ने को तैयार हैं और वे नामांकन वापस नहीं ले रही हैं और ना ही उन्होंने नामांकन वापस लिया। उन्होंने कहा कि वे आज से ही अपने चुनाव प्रचार का अभियान शुरू कर रही हैं।